अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हो आप लोग खुश रहे, आबाद रहे। आज हम एक सिंपल पराठा बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप मैदा डाल दिया और एक कप डाल रही हूँ, तो मैं ढाई कप लूँगी और आधा लूँगी मैं। यहाँ पर दो कप मैदा लिया और आधा कप मैंने डाल दिया। तो अच्छा से इसको एक डो बना लेते हैं। पहले मैंने एक चम्मच, छोटा चम्मच से एक चम्मच चीनी डाल दिया। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया। हल्का गर्म पानी से मैं इसका एक डो बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत ही कम ऑयल डाल दिया। अब यहाँ पर मैं गर्म पानी, हल्का गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। अच्छा से एक डो बना लेते हैं। अच्छा से इसको मसल मसल के गूंथना है, तब भी तो सॉफ्ट पराठा बनेंगे। मैंने इसको अच्छा से एक दो मिनट अच्छा से मसल लिया, अच्छा से गूंथ लिया। अब इसको अच्छा से इस तरह करके मैं रख दूंगी 10 मिनट रेस्ट करने के लिए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के। इस तरह की डो हुआ है। थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं ऊपर से रख दूंगी इस तरह लगा के। मैं अभी इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। मैंने इस तरह की चार भाग में ले लिया, मुझे चार ही बनाना है। तो अच्छा से फिर से इस तरह मचल दूंगी, पैरा के जैसा बना लूंगी। पहले मैं मैंने चार लेयर बना लिया। अब एक ले लेती हूँ और इन सब को ढक देती हूँ। ऐसा मैदा ले लिया। अब एक रोटी बना लेती हूँ। पहले रोटी की जैसा बनाएंगे। मैंने इस तरह की रोटी जैसा बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दूंगी, कैसे भी करके ऑयल लगा लेना। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हो। अच्छा से लगा देना इस तरह। इसमें हम इस तरह की मैदा लगा देंगे। इस तरह इसको हम इस तरह होल्ड करेंगे। इस तरह होल्ड करेंगे और फिर से हम रोटियां जैसा बना लेंगे। इस तरह हम फिर से रोटियां बना लेंगे। मैंने इस तरह की रोटियां बना लिया, जैसे पराठा के जैसे मोटा रहेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, तो मैं इसी तरह बाकी की बना लेती हूँ। मैंने इस तरह की पराठा बना लिया। मेरा इतना गोल गोल नहीं होता है, तो इस तरह की मोटियाँ मैंने रखी। तो चलिए अब गैस के ओर। पराठा मैंने डाल दिया इसमें, तो इसको थोड़ी देर नीचे से होने देते हैं। जब भी नीचे से थोड़ा सा हो जाएगा तब भी हम पलटाएंगे। अब फिर से नीचे से थोड़ी देर होने देते। तो आप लोगों को फिर से याद दिला दो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। कैसे फूल रहा है मेरा पराठा। फिर से इसको मैं पलटाऊंगी। अब मैं यहाँ पर ऑयल लगा दूंगी। पराठा कैसे फूल रहा है, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब इसी तरह हम पूरा नीचे से लगा देंगे। 4-5 सेकेंड नीचे से इस तरह लगा के मैं पलटाऊंगी। कितना अच्छा से फूल गया मेरा पराठा। इसको हम पलटाएंगे। तभी अभी नीचे से थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं। थोड़ा सा नीचे से हम ऑयल डाल दिया। अभी फिर से मैं इसी तरह नीचे से लगाऊंगी। अच्छा से फूल रहा है, तो इसी तरह पूरा पराठा मैं बना लेती हूँ। फिर से इसको पलटाएंगे। तो इसी तरह मैं पूरा उलट के पलट के मैं सेक लूँगी। थोड़ा दबा दबा देने से अच्छा से ये फूल के आएंगे। कितना अच्छा से फूल रहा है। फिर से पलटाऊँगी।
मेरा धीमी आंच में है, एकदम लो है, इसीलिए इतना अच्छा से सीख रहा है। तो अगर मैं हाई कर देती तो जल जाता, मीडियम करने से भी ये जल जाता। तो अच्छा से मैं इसको सेक लेती हूँ, अच्छा कलर दिख रहा है। मेरा पराठा एक बन के रेडी हो गया, तो इसी तरह मैं पूरा पराठा बना लेती हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। पराठा बन के रेडी हो गए एक दो मिनट में, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, बाकी की मैं सेक लेती हूँ। लीजिए मेरा पराठा बन के रेडी हो गया, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सॉफ्ट है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, आप लोग दिख रहे हैं बिल्कुल ऑयल नहीं है, तो कम ऑयल में हम पराठा बना सकते हैं इसी तरह। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अगर इस सर्दी में फूलगोभी का सब्जी से पराठा बन जाए तो क्या बात है, साथ में अगर एक कप चाय हो जाए, है ना, इस सर्दियों के लिए बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल ऑयल नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल से मैंने बनाया। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करना, दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।